सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगाने वाले शहीद आजम भगत सिंह की कहानी दिखाने के लिए आ रहे हैं लक्ष्मण और पॉल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर पॉल एंड लक्ष्मण। मैं जल्द आ रहा हूं। 28 सितंबर 1907, बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। इस मिट्टी का कर्ज अदा करने का समय आ गया है। यार भगत, मुझे पता है कि तू चार्ली चैपलिन के बहुत फिल्में देखता है, पर एक बात बता, तू ये क्या लिखते रहता है? वक्त आने पे जरूर बताऊंगा। ओहो, अच्छा सुन, माँ कह रही थी दुल्हन लाने का सही समय हो गया है। मैंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया है, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है। बहारों को सुनना हो तो आवाजों को जोरदार होना होगा। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रोकिए रेवोल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद। खून चला, खून चला, खून चला, खून चला। According to the law, to hell with your order, to hell with your law. Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad. Inqilab, Inqilab, what the hell is your Inqilab? Inqilab ek ladai hai, zulm aur nainsafi ke khilaf. Inqilab ek hathiyar hai, aadmi par aadmi ka shoshan rokne ke liye. Inqilab ek elan hai, desh ke naujawanon ko ekjut karne ke liye. Inqilab ek pukar hai, soye hue awam ko uthane ke liye. कवि प्रेमी और पागल एक ही चीजों से बने होते हैं। मैं ऐसा पागल हूं जो जेल के अंदर भी आजाद है। 23 मार्च 1931। चलो, समय हो गया है, बस एक आखिरी पन्ना। ना मुझे मौत का खौफ है, ना ही रब पे यकीन। मैं आ गया। कुछ कर गुजरने को, खून चला, खून चला, खून चला। विद्या जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रहा है हम सब के लिए। आई थिंक इट्स बीन रिपीटेडली टोल्ड। इसको आज मैंने एक नए डांस के रूप में देखा, पहले कभी नहीं देखा था। आजादी ही मेरी दुल्हन है। सो
So it was very interesting for me. Fantastic. All the best. Thank you, ma'am. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.